अभी मैंने आपको खान सर के साथ लंच करते हुए देखा था। अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हाँ इलॉजिकल। अब पता है ये बंदा जो है ये क्लेम भी कर रहा है। टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, बहुत वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं खास करके, भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा, कई को देख रहे थे क्लासों में आके आँख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट कमेंट रहा ना रहा ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जान बुझ के ऐसा ऐसा कमेंट पढ़ेगी, सर मैडम आज गोर लग रही है, ससुर इतने फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दली दर लगेगी यहाँ पे, अपने से सोच लेना है। तो देखिए हम किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना जानना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उससे खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे देश की जो धरोहर है उसे बचा के रखिए। हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, इस धरोहर इस संस्कृति को बचा के रखिए। यह भी आपकी एक देशभक्ति है, इसे बचा के रखना है। जिसको बहुत ज्यादा शौक है इंग्लैंड चल जाए ना, वहाँ जैसे मन वैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, जो मन पहन के पढ़ाना है पढ़ाओ यहाँ, लेकिन हमारे देश की जो धरोहर जो संस्कृति है उसे बचा के रखिए। हम प्रेम से समझा रहे हैं, वरना फिर लड़का आप लोग को उल्टा सीधा सुनाएगा तो आप कहिएगा लड़का बोलते हैं सब। एक टीचर के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह के भाषा का प्रयोग करना है या फिर किस तरह के कमेंट्स को पढ़ना है, कैसे कपड़े पहनने, अब ये सब समझाने की चीज़ें हमारे यहाँ।